कांगड़ा जिला में बढ़ रहे नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिला पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान में अब नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस प्लान के मुताबिक नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए जिला पुलिस, राजस्व और आयकर विभाग की मदद ली जाएगी। इस दौरान राजस्व विभाग जहां अवैध कब्जों की निशानदेही करेगा, वहीं आयकर विभाग आय से संबंधित संपत्ति के मामले की कार्रवाई करेगा। इन विभागों की मदद लेने के लिए कांगड़ा पुलिस ने पत्राचार किया है। वहीं कांगड़ा पुलिस सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध कब्जे कर डेरा जमाने वाले लोगों की भी जांच कर रही है। साथ ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले संदिग्धों की सूची भी तैयार की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए उपायुक्त कांगड़ा को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि नशा माफिया के खिलाफ लंबे समय से पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है और आए दिन नशे के सौदागर पकड़े भी जा रहे हैं। इसके बावजूद नशा तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस सब को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां ये कारोबार करने वाले ज्यादा लोग हैं। जिला कांगड़ा में इसकी शुरुआत पंजाब से सटे क्षेत्र से होगी। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा ने उपायुक्त को इन क्षेत्रों की पैमाइश करवाकर अवैध कब्जों को पूरी तरह से हटाने की मांग रखी है। नशे का कारोबार कर रहे तस्कर बड़े ही शातिर हैं। उन्हें पता है कि कितनी मात्रा में नशीले पदार्थ रखने पर कितनी सजा है और पकड़े जाने पर वे 10-15 दिन जेल में काटते हैं। इसके बाद पुनः नशा तस्करी के धंधे में जुट जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल ने बताया कि जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, बावजूद इसके नशा तस्करी पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसे में नशा तस्करों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस विभाग दो महकमों की मदद लेकर अंकुश लगाने जा रहा है। देखिए, अल्टीमेटली जो नशे का व्यापारी है वो पैसे कमाने के लिए सारे काम करता है। अगर उसके पैसे की सप्लाई लाइन को भी खत्म कर दिया जाए या अगर वो कमा लेता उसको दोबारा उसे किसी तरह से कॉन्फिस्केट कर दिया है तो उसके पास मोटिवेशन नहीं रहती है। हालांकि एनडीपी सेक्टर में इसका प्रोविजन है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर की क्वांटिटी अगर हम रिकवर करते हैं तभी हम वो कर पाते हैं। तो जो नशे के व्यापारी हैं इस चीज़ को जानते हैं और इसके कारण ये लोग मैक्सिमम टाइम स्मॉल क्वांटिटी लेके चलते हैं ताकि अगर पकड़े भी गए तो उसमें बेल हो जाए या फिर जाके कहीं ना कहीं से इनको एडवांटेज मिल जाए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन से बचने का। उस चीज़ को देखते हुए हमने जो हमें पर्टिकुलर एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे नशे का काम ज़्यादा होता है या ये लोग इस तरह के लोग आके इस तरह का काम करते हैं, उनके विरुद्ध हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कार्रवाई करने जा रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम इसका ये इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर कर रहे हैं, लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चिट्ठी लिखी गई डीसी कांगड़ा को कि इस उन एरियाज में पर्टिकुलरली सरकारी जमीन पर इंक्रोचर्स कितने हैं और जो ऐसे लोग जिन्होंने बाहर से आके या कहीं और से आके एकदम से प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं और कई बार प्रॉपर क्योंकि हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको लॉ फॉलो करना पड़ता है, उस लॉ को कई लोग सर्कमवेंट करके वैसे ही किसी डीड करके या कोई एग्रीमेंट करके भी केवल प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कराएंगे।